भाई नमस्कार वेलकम बैक टू तो माई चैनल दिस इज मी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज के इस टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा वीडियो बनाने वाली हूँ किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ तो गाइज अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू तो माई चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइज ताकि आप मेरे सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सके और गाइज आज मैं फ्लिपकार्ट मेकअप हॉल करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग तो गाइज ये देखिए मैंने इतना सारा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो ये मेरा बिगेस्ट अभी मेरे चैनल का बिगेस्ट मैं हॉल ट्राई करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी वो मंगवाए हैं क्योंकि रिव्यूज़ भी मैंने देखे थे बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और मतलब ट्रेंड में है पता नहीं मैं पर्सनली जब चेक करूँगी तो ही मुझे पता चलेगा कि कैसा है एक्चुअल में ये प्रोडक्ट और ये आ, मतलब चीप के अंदर में लिया है मीडियम टू लो रेंज में मैंने लिया है पर मैं देखना चाहूंगी कि इसमें आ, ऐसा क्या है जो कि इतना अच्छा रिव्यू इसमें दे रखा है प्रोडक्ट कलेक्ट करते करते मेरा ये जो रिटर्न का है रिटर्न पॉलिसी भी खत्म हो चुका है क्योंकि सेवन डेज के अंदर आ, रिटर्न कर सकते हैं और मेरी वो सारी डेट्स चली गई है तो आ, नो वे आई कैन रिटर्न दिस प्रोडक्ट्स अभी देखता है अगर बेकार हुआ तब तो मेरे सारे पैसे बर्बाद गाइस वीडियो के चक्कर में मैंने रिटर्न पॉलिसी तो अपनी गवा दी आपके सामने बिल्कुल मैंने एक भी प्रोडक्ट अभी अनबॉक्स नहीं किया है तो मैं वन बाय वन आपके सामने uh, अनबॉक्स करूंगी और आपको दिखाऊंगी आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे और ये वीडियो उनके लिए है जो कि मतलब uh, जिनको ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं है अपने मेकअप और इसके लिए तो तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये है मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है लेट्स ओपन इट गाइस मैं ले लूंगी ब्लेड एकदम नया वाला किधर से अनबॉक्सिंग करना है वीडियो के चक्कर में अपने हाथ हाथ ना काट दू पता नहीं ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग होगा क्या मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर ये देखो गाइस मैंने ये ओपन कर लिया है अभी देखते हैं इसमें क्या है ओ तो इसमें है कंसीलर आ, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है इसमें पर मैंने दो तीन बार इसको ड्रॉप कर चुका था नीचे आई डोंट नो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मतलब गिर गए थे दिखाने के चक्कर में तो गाइस पैकेजिंग तो अच्छी लग रही है ये है फर्स्ट मैंने इनसाइड का आ, कंसीलर मुझे चाहिए था मतलब तो देखते गाइस रैपिंग तो बहुत अच्छा पैकेजिंग तो बहुत अच्छे से किया है ये वाला देखिए इन का प्रो कंसीलर पैलेट ये देखिए जब आप खोलेंगे तो ऐसा आपको क्यूट सा गोल सा ऐसे दिखेगा अब मैं इसका जो बारी है इसको ट्राई करने की ट्राई करके देखती हूँ गाइस कि कैसा है रियल अभी रिव्यू देने जा रही हूँ गाइस मैं अपने स्लीव्स ऊपर कर लेती हूँ इसका मैं देखती हूँ ये फुल कवरेज है कि नहीं Uh, और इसका पिगमेंटेशन कैसा है पहले ऑरेंज से स्टार्ट करती हूँ यू सी इट इट्स नाइस अभी मैं दूसरा वाला ये वाला मैंने लिया है थोड़ा लाइटर शेड में ताकि आप पता कर सके कि इसके पिगमेंटेशन कैसी है तो वन स्ट्रोक में ही इसका ऐसा आ रहा है तो यस um, yes, मैं इसको ट्राई करना चाहूंगी अपने फेस पे अगर मैं इसका रिव्यू शॉर्ट्स में अपने डालूंगी ठीक है पर ये देखिए इस इस रेंज में अच्छा ही है वन स्ट्रोक में ही एक ही स्ट्रोक में देखो गाइस इतना फुल कवरेज है तो ठीक है नाइन आउट ऑफ टेन दूंगी मैं इसको नाइन तो दे सकती हूँ क्योंकि अच्छा है मेड इन इंडिया मैंने इसको कितने में लिया था मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगी मतलब स्क्रीन में शो कर दूंगी रेट बार बारी है सेकेंड प्रोडक्ट की ये क्या है पता है नहीं मुझे भी सीजर्स की मदद से इसको छोटे से पैकेट के लिए मतलब इतना बड़ा तो ये स्विस ब्यूटी का जो है वो कंसीलर मैंने ऑर्डर किया था तो इसका ना ये मीडियम बींग शेड में है जीरो फोर शेड में इसका भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के वीडियो में तो लेट्स सी कैसा है अंदर से तो गाय ये बिल्कुल ऐसा दिखता है जब आप अनबॉक्स करेंगे इसको और इसकी मुझे यही टिप ना मतलब बहुत टाइम से इसको ट्राई करना था कि ये मतलब दिखने में इतनी फैंसी है और इसका जो एप्लीकेटर है बहुत ही ज़्यादा कैन यू सी इट गाइस ऐसे अप्लाई करने में भी कितना ईजी होगा तो इसको यूज़ करने के लिए शायद ऐसे आपको नीचे से ऐसे घुमाना पड़ेगा तब जाके निकलेगा आई डोंट नो निकल क्यों नहीं रहा है अब इसको निकालते कैसे फाइनली finally, फाइनली finally, निकला 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 देखो एक ही बार से वो एप्लीकेटर तो. wow, के साथ साथ ये और ये फुल कवरेज है मैं देखे इसको बता सकती हूँ गाइस ट्रस मी ये देखिए बिल्कुल फुल कवरेज है आई नो मैंने मेस कर दिया है पर ये बंद क्यों नहीं हो रहा है तो इस प्रोडक्ट को मैंने ज्यादा ही घुमा दिया तो इसलिए बहुत सारा प्रोडक्ट मेरा वेस्ट हो गया देखो गाइस लेकिन ट्रस्ट मी गाइस दिस वन इज फुल कवरेज और इसका मतलब यही है कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते एक बार अगर घुमाओगे तो मतलब ये निकलेगा और जस्ट वेट ठीक है नहीं तो ज़्यादा आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप अंडर आइस वगैरह में इसको अप्लाई करने में बहुत इजी है जो एप्लीकेटर मेरे जैसे गधे लोग जो है वो गधे नहीं है हम लेकिन फिर भी मेरे जैसे लोग जिनको ज्यादा नहीं पता है इन सब के बारे में तो मैं उनको बता दो कि ये ना एक बार जब ऐसे निकल जाता है मतलब ज्यादा घुमा दोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट आपका निकलने लगेगा अभी ये मेरा देखो मैंने पूरा इसम किया ये पूरा फुल कवरेज जो मैंने ऑरेंज कंसीलर आपको लगा के दिखाया था ना वो भी इसने कवर कर दिया बहुत अच्छे से ये फुल कवरेज है और ऑल्सो गाइस ये स्विस ब्यूटी का जीरो फोर शेड में मैंने लिया है एच डी कंसीलर ये एच डी ही है आ, इसका फिनिशिंग जस्ट सुपर आई जस्ट लव इट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस इन सारे प्रोडक्ट से मेकअप अपने पे करके दिखाऊंगी तो इसको मैं दूंगी सेवन सेवन पर इसका जो प्रोडक्ट है उसके लिए मैं उसको दूंगी टेन आउट ऑफ टेन पर ये ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट निकल गया और वेस्ट हो गया तो इसीलिए पोच लेती हूँ पहले और उसके बाद बाकी अनबॉक्स करती हूँ ये मैंने मंगवाया था इसमें मुझे पता है क्या है कैन यू गेस्ट कि इसमें क्या है गाइस आई एम वेरी नो इसमें आई शेडो पैलेट होगा पर शायद यस आई एम आई डोंट नो गेस्ट किया आई शेडो पैलेट ही होगा क्योंकि चपटा सा है ना पता ही चल गया होगा ओह oh! मैं गलत थी आई शेडो नहीं है ये है लिपस्टिक लिपस्टिक ये ब्लशिस का डिफाइन डिफाइंड लिप्स है एक दो तीन चार पांच छह शेड मुझे मिली है आई एम वेरी एक्साइटेड तो टू दिस गाइस इसकी भी प्राइस और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो बताना ये देखिए गाइस मुझे सिक्स शेड्स मिली है इसमें मैं आपको वन बाय वन करके लगा के दिखाऊंगी कि कैसा है ब्लशिज का लिक्विड लिपस्टिक जो सिक्स का ये ये कौन सा शेड है मुझे भी नहीं पता पर यह सिक्स छो एक साथ एक ही पैक में आता है तो फर्स्ट मैंने अप्लाई करके दिखाऊंगी ये वाला इस कलर का लिपस्टिक मेरे पास पहले से भी है तो आई जस्ट लव दिस क्योंकि ये ब्राउन स्किन पे नूड वाला बड़ा अच्छा वाला काम करता है ये है थोड़ा ब्राउनिश शेड में ब्राउनिश और थोड़ा चेरी वाला कलर नहीं होता है I'm very bad at explaining things. ये देखो ऐसा है बिल्कुल कुछ पिंक के शेड में है ब्राइट पिंक एकदम ये देखो बिल्कुल ऐसा और एक और है पिंक के शेड में ये थोड़ा आई डों कौन सा शेड बोलते हैं इसको आई विल शो यू ये ऐसा है इससे थोड़ा सा डार्क जो पहले मैंने लगाया था और एक और है ये ये थोड़ा मरून शेप शेड में है ये देखिए गाइस सारे ही कलर्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है कैमरा फोकस नहीं कर रहा है डोंट नो वाई तो गाइस ये लास्ट शेड है ब्लशीज़ का ट्रस्ट मी गाइज एवरी शेड इज वेरी 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 ब्यूटिफुल आई जस्ट लव इट सारे के सारे आई लाइक इट मैंने सोचे नहीं थे कि ये जो है वो अच्छे होंगे इतने अच्छे मिलेंगे मुझे पर आई लव सारे के सारे शेड्स कि नहीं सी इट कैन यू जस्ट सी इट हर लड़की के पास ये सारे शेड्स होने चाहिए इसको मिस मैच करके और भी ज्यादा शेड्स आप बना सकते हैं और उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके सामने अनबॉक्स करने वाली हूं वो है ये इसमें क्या है मुझे भी नहीं पता पता नहीं कैंची मैंने गुम कर ली पर एनी जब कैंची ना हो तो आपको करना चाहिए ब्लेड का यूज नहीं बच्चे ब्लेड का यूज ना करें तो अब बारी है इसकी तो मुझे कैंची अपना मिल गया तो चलिए गाइस ओवाओ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसके अंदर तो बेसिकली मुझे अपना हेयर स्टाइलिंग करना बहुत अच्छा लगता है हेयर स्टाइलिंग और ये चाइनीज प्रोडक्ट है कुछ तो इसमें ये बिल आपको मिल गया वो गिर गया है मेरे से और फिर ये देखो गाइस पफ बनाने के लिए ये सारे मतलब मुझे ये ना ट्राई करने थे कि ये लगेंगे कैसे मेरे पे और हाँ ये देखिए देखिएगा तो चाइनीज में लिखा हुआ है बैकग्राउंड में पीछे पर ये है आ, मुझे अपना हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस ऑल प्रोडक्ट गाइस और पता नहीं मेरा कैमरा क्यों मेरे पे फोकस नहीं कर रहा है तो एनी फिर है मेरे पास ये सारे चीज़ें ये हेयर स्टाइलिंग के लिए जब ऐसे अभी तो नहीं करूंगी हम्म ये सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है पर जो इसके प्लास्टिक्स है वो थोड़े से चीप है और इसको भी मैं ट्राई करके देखूंगी पर कैसे करना है मुझे नहीं पता मैंने एक्साइटमेंट में ही ऑर्डर करा दिया था क्योंकि सेल चल रहा था तो मुझे ऐसा एक हेयर कॉम चाहिए था ये बड़ा ही प्लास्टिक की सा चीज सा है पर इतने प्राइस में इतना ही मिलेगा है ना दोस्तों मतलब ये मुझे ऐसा चाहिए था क्योंकि मतलब ऐसे पार्टीशन करने में बड़ा मतलब आ, सही रहता है इसको हाँ तो थोड़ा हेयर स्टाइल वीडियो के दौरान ही हेयर स्टाइल ठीक कर लूँगी <laughs> तो गाइस ये कॉम और इसके साथ कितने प्रोडक्ट्स मिले हैं एक दो तीन चार ये एक बड़ा वाला एक छोटा वाला चार और ये पांच तो गाइस इसमें ऐसे टाइप का दे रखा है बर्न्स वगैरह ऐसे घुमा के बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में था तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करू इसको तो ये पांच और इसके साथ छः तो ऐसे आपको दिख रहा है ना कि कैसे इसको बाल उठा के थोड़ा सा पफ बनाना है वैसे ही है ये तो गाइस इतने इसके इसके साथ में मुझे मिले एक दो तीन चार पाँच प्रोडक्ट्स मिले हैं इसमें टू तो हंड्रेड के अंदर ही मुझे ये मिल गया था तो आई वॉस वेरी हैप्पी कि हाँ चलो मिल गया मुझे 200 के अंदर में फिर गाइस ये है अभी ये क्या है मुझे भी नहीं पता है लेट्स ओपन इट गाइस तो पहले तो मैं साइड के एज ब्लेड से ही कर लूंगी अभी मम्मी देखती तो मुझे थप्पड़ लगाती कि तू ब्लेड से क्यों करे बोल के बट एनी वे आई नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल ओपनिंग इट हा कैन यू गेस कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और क्या आया है तो गाइस मैंने एक आई शेडो पैलेट ऑर्डर किया था तो वही आई शेडो पैलेट ये तो ये भी मैंने ऑर्डर किया था टू um, हंड्रेड के वन एट्टी रुपीज में मेरे को ये मिल गया था गाइज वन एट्टी रुपीज में कैन यू इमेजिन पर बहुत ही फैंसी सा क्यूट सा पैलेट है लेट्स ओपन इट गाइस आई होप मैंने इसको तोड़ना दिया हो तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये ऐसा बिल्कुल मिलेगा मिरर एक मिलेगा एंड देन फिर ये और जैसे ही आप हटाएंगे तो ये अब बारी है इसके पिगमेंटेशन चेक करने की ये इसका ये फुली पिगमेंटेड है कि नहीं पहले ब्लैक वाला ट्राई कर लेती हूँ नहीं गाइस आई डोंट लाइक द पिगमेंटेशन ये आप कैन कैन सी ऐसा लग रहा है कि जो पेंसिल का जो हम लोग छिलते हैं ना वो जो उसका बीच का काला काला निकल जाता है वो वैसा लग रहा है ये देखो गाइस एकदम सेम वैसे ही ब्लैक कलर का मुझे चाहिए था ब्लैक आई शेडो इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया था पर वेस्ट ऑफ मनी और मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती अब अच्छा तो अब बारी है, मैं ये पिंक वाला ठीक ठाक है मतलब प्राइस के हिसाब से पिगमेंटेशन क्योंकि अब वन एटी एक्सपेक्ट करूंगी इस मेकअप आई शेडो पैलेट से तो मेरे पैसे बर्बाद एक सौ अस्सी रुपए आई डोंट लाइक इट पर्सनली आई डोंट लाइक इट क्योंकि बहुत चौकी जैसा चौकी जैसा इसका मतलब टेक्स्चर है आई मतलब पर्सनली डोंट प्रीफर इट मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसमें क्या गेस्ट की इतना लंबा सा क्या होगा इसमें, इसमें? वो तो ये देखना गायस मैंने क्रिम पर ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है तो मेरे पास फिलिप्स का पहले से एक स्ट्रेटनर तो था लेकिन मेरे पास ऐसे क्रिम पर नहीं था तो नेक्सा का नेक्सा प्रोफेशनल आ, का मैंने क्रीम पर ऑर्डर किया है ये मुझे पड़ा था मेंशन कर दूंगी क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ लेकिन एट के अंदर में ही किया था एट के अंदर में मुझे पड़ा था सेल चल रहा था तो सेवन डिग्री फेरानाइट और पता नहीं क्या है एफ लिख रखा है मैक्सिमम ठीक है तो इसको हैं अंदर से कैसा है तो गाय पैकेजिंग तो बहुत अच्छे से इन्होंने करके दी है हमें यू सी द गोल्ड फिनिश गायस कितना प्यारा लग रहा है ये और इसकी वायर आपको दे आप देख सकते हैं वायर तो इसका रियल एमआरपी टू नाइन नाइन ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड का था लेकिन थ्री uh, थाउजेंड का है अगर आप ये बाजार से खरीदने जाएंगे तो थ्री थाउजेंड में ही मिलेगा आपको लेकिन क्योंकि मैंने इसको सेल में लिया है सेल में लिया था शॉप सी से शॉपसी और फ्लिपकार्ट एक ही होता है शायद से तो मैंने उधर ही से लिया है अब बारी है ये नेक्स्ट प्रोडक्ट की तो कैन यू गैस की क्या है तो ये है गाइस हेयर आईकॉन टोंग तो मैंने अपना कर्लर ऑर्डर किया था मुझे अपने बालों को स्टाइल करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा पसंद है कौन सी हेयर स्टाइल मेरे फेस के साथ अच्छी लगेगी कौन सी नहीं मुझे न्यू न्यू हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल विथ डिफरेंट डिफरेंट हेयर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मतलब कि ये सारे एक्सेसरीज वगैरह तो देखिए गाइस क्योंकि मुझे नहीं मुझे तो ओ ओ अच्छा ये शायद से ऐसे करके ऐसे करना होता है क्या नहीं नहीं मैं ये कैसे करते हैं मुझे नहीं पता ओ ऐसे करते होंगे पर अभी ये गरम नहीं है तो मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाती हूँ चलिए अभी इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको तो गाइस मैं इसको देखती हूँ कि कितने टाइम में गर्म होता है तो मैंने लगा दिया है इसका प्लग और यहाँ पे यहाँ पे गाइस एक रेड कलर का पावर वाला लाइट जल जाएगा और यहाँ पे पुश बटन है जैसे कि आप देख सकते हैं और इधर पे आपको कितना डिग्री में चाहिए 750 डिग्री में चाहिए या थ्री या 630 डिग्री 510 430 ऐसे चार ऑप्शन है कि कौन से टेम्परेचर में चाहिए मैंने सेकंड लास्ट किया है 630 तो लेट्स सी यह गर्म होता है कि नहीं कितना टाइम लगता है तो मैंने ऑन कर दिया है लेट्स सी सो गाइज इट वॉज वर्किंग वेल सो आई लाइक इट अब बारी है मेरे कर्लर की तो पहले ये वाला निकाल देती हूँ सो दैट वायर थोड़ा सा लंबा हो जाए एंड इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू कर्ल माई हेयर तो यहाँ पे जो कर्लर है इसमें फोर मोड्स आपको प्रोवाइड किया गया है आप अपने मुताबिक आपको कितना टेम्परेचर में चाहिए वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट तो गाइज अच्छे से आप देख लेना गाइज और अब बारी है इसको ट्राई करने की तो पहली बार ये मैंने ट्राई किया अपने बालों पे पहली बार मेरा फर्स्ट टाइम कर्ल कर रही हूँ अपने बालों पे पहले कभी नहीं किया था और मैं चेक कर रही हूँ गर्म हुआ है कि नहीं तो गर्म हो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस और उसके बाद मैं कर, आपको करके दिखाऊँगी तो गाइस दोन जज में क्योंकि मुझे कर्ल करना नहीं आता है पहली बार अपने घर में मैं अपने बालों पर ऐसे कर रही हूँ कर्ल तो थोड़ा प्रैक्टिस और करूँगी तो शायद अच्छे से हो जाएगा तो अभी देखती हूँ मैं कि होता है कि नहीं तो मेरी मम्मी डांट रही थी कि अपने इतने स्ट्रेट बालों को क्यों तू बेकार कर रही है उसके बाद मैंने आगे के बाल को किया जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे तो वापस से मैं इसको सीधे कर लूँगी पर अपने स्ट्रेटनर से फिर से मैं इसको अच्छे से सीधा कर लूँगी पर वो सीधे हो ही नहीं रहे थे तो गायस यहाँ पे मैंने अपने फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लिया था अपना बाल और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिव्यू करते करते बहुत ही ज़्यादा भर चुके थे ये जैसे कि आप देख सकते हैं और बाद में ये लास्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरा था ग्लिटर आई शेडो आई शेडो जो है वो मिस रोज़ का था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा इस रेंज में इतने कम रेंज में आपको इतना पिगमेंटेड शिमरी रोज़ गोल्ड ऐसे मिल रहा है रोज़ गोल्ड नहीं मतलब ग्लिटर आई शेडो मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी इसको लेके तो यही थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ और प्लीज प्लीज मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना ताकि मैं और ऐसे नई नही, नई कंटेंट के साथ नई नही, नई वीडियो के साथ आ सकू लड़कियों अगर आप एक्साइटेड है मेरे न्यू लुक को देखने के लिए मेरे न्यू लुक यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इन सारे प्रोडक्ट से अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना और उसमें ब्लैक हार्ट दे देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको वीडियो चाहिए तो गाइस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय खलम बाय